पोल्यूशन वगैरह हो जाएगी ना, तो फिर कितना मस्त लगने वाला है क्यों ना। तो भाई ये अलग अलग बॉडी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी हम बाजार जा रहे हैं यार, क्योंकि मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं। जो देखो, मतलब ये कैप लगा रहा हूँ ना, कैप में से भी हर निकल रहे हैं। तो अभी मैं थोड़ा कटिंग वटिंग करा के आता हूँ, फिर हम और कुछ देखते हैं, कपड़े वगैरह लेने आएंगे, क्योंकि कल हमारे चाचा जी की शादी है, मतलब तो उधर जाना है। तो अभी हम थोड़ा चलते हैं, फिर हम वहाँ पर जाने की भी तैयारी करनी है, पैकिंग वगैरह है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी हम कटिंग वाले भैया की शॉप में गए हुए थे और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब आदमी बैठे हुए थे। तो फिर मैंने सोचा यार आकाश के घर के आगे देखे, मतलब 6 फीट का एक्वेरियम बन गया, तो देखें कैसा है। तो चलो आपको दिखाता हूँ। ये देखो कितना बड़ा बनाया हुआ है, ये देखो पूरा। अभी तो इसमें फेस और डेकोरेशन वगैरह हो जाएगी ना, तो फिर कितना मस्त लगने वाला है ये एक्वेरियम। देखो कितना बड़ा है, अलग ही लग रहा है, इतनी बड़ा एक्वेरियम भाई, डेकोरेट हुआ फिर उसके बाद में कितना मस्त लगेगा। कल तो कटा लिए हैं और अभी हम वॉकिंग करते हुए जा रहे हैं घर पे, क्योंकि यार बाइक वगैरह थी नहीं, तो हम वॉक पैदल ही आए हुए थे, बस आकाश छोड़ गया था, फिर हम पैदल जा रहे हैं। चलो अब तो गर्मी लग रही है काफ़ी ज़्यादा, कैप लगा लेता हूँ और घर पे आके बस नहाना है मुझे तो, बस आराम। तो 2-3 बाल्टी नहीं लुड़े के लूँ ना अपने ऊपर, तब तक तो यार अब गर्मी ख़त्म नहीं होगी। चलो सबसे पहले घर पे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी हम घर पे आते जा रहे हैं और अभी सुब की बॉडी देखो, ये देखो काफ़ी तगड़ा है भाई साहब। मुझे गिराने की बात कर रहा था मैं, अभी घर में घुसा ना तो भाई ये अलग अलग बॉडी, मेरी बॉडी देखो, मेरी काफ़ी कम है यार, इन दोनों से बहुत तेज ज़्यादा है। मैं तो डर गया यार, ये दोनों मुझे उठा के फेंकने वाले थे। ये देखो ऐसा एक दूसरे पे आजमा रहे हैं ताकत को। तो गाइस मैं अभी नहा लिया हूँ और मतलब आज काफ़ी लेट नहाया हूँ, मतलब अभी का समय हो गया 4 बजे का, और 4 बजे मैं नहाया हूँ और हमारे पीछे बहुत तेज़ आंधी आई हुई है, तो चलो वो देखने चलते हैं। वैसे पहले मम्मी रसगुल्ले लाई हैं तो वो खाते हैं पहले, मस्त वाले वाइट। आंधी में भाई साहब किसी सब मतलब किसी ना किसी के कच्चे वगैरह भी उड़ रहे हैं भाई साहब। अभी एक कच्चा उड़ता हुआ गया बगल से उस साइड को, पीछे दिख रहा है ना आपको इस वाला एरिया, इस साइड को कपड़े वगैरह भी उड़ रहे हैं, मतलब कोई कपड़े उठाना भूल गया होगा इस चक्कर में, वरना कौन उड़ दे। तो भाई साहब किसी का कपड़ा उड़ के हमारी छत पे आ गया, ये देखो ऐसे ही उड़ रहा है, मतलब कपड़े वगैरह भी उड़े जा रहे हैं। मोबाइल गिर गया था, इसके अंदर टेम्पर भी नहीं डला है, तो आ गया सवाल है गाइस, टेम्पर नहीं डला नीचे, मतलब स्क्रीन शायद फूट सी गई थोड़ी, स्क्रैच आ गए हैं। अभी मम्मी कपड़े लेके आई हैं और वो कपड़ों को चेक करा रही हैं पहना के, क्योंकि मेरे टाइट हो रहा है, मतलब कपड़े वगैरह टाइट ना हो, क्योंकि कल तो पहनने ही है सारे कपड़े, तो मैं ये चेक कर रहा था कपड़े टाइट तो नहीं हो रहे। तो अभी आप बताओ कैसे लग रहे हैं। वैसे मेरे जो है ना इसका पजामा, कुर्ते पजामे का पजामा, तो वो टाइट हो रहा है, बट है मम्मी लेके आई, थैंक यू मम्मी। और अभी हम पूरा दिखाता हूँ, तभी मैं आपको पूरा दिखाता हूँ कैसा लग रहा हूँ, आप बताना कमेंट में। तो अभी कपड़े तो काफ़ी सही लग रहे हैं भाई साहब, बस पजामे थोड़ी टाइट है, कुर्ते पजामे की पजामी, और मतलब कपड़े तो काफ़ी सही लेके आई हैं मम्मी। मम्मी से मैं रोज़ मतलब जब भी कपड़े लेने आती है ना, मम्मी से कहता हूँ भैया के मुझे ले आया करो, तो मतलब वो भैया के साथ चले आती हैं और ले आती हैं कपड़े वगैरह, ऐसे ही टाइट होते हैं फिर मेरे। तो आप चलो मम्मी चलते हैं थोड़ा ले आए, चलो चलते हैं। मैं सुबह से सोच रहा था क्या क्या पैकिंग करूं क्या नहीं करूं शादी के लिए, और मम्मी आई, मम्मी ने 1 मिनट में पूरी पैकिंग कर दी। देखो अभी की अभी बैग तैयार कर दी है, अभी आधा घंटा हुआ होगा पैकिंग करे हुए भाई साहब, 1 मिनट में कर देती है मम्मी तो हाली। और मैं सोचता रहता हूँ क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ, मैंने तो भाई कोई भी कपड़े चूज नहीं करे, वहाँ भाई साहब 1 मिनट में अपना टी शर्ट वी शर्ट टड़म टड़म करके हाली और बैग तैयार कर दिया, जो दोनों बैग रखे हुए हैं भाई साहब। कल तो जाना ही है, हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद फिर जल्दी से सोते हैं, क्योंकि कल सुबह कौशिक मतलब जो बेंगलोर घूमने गया हुआ था ना अपने बुआ जी के यहाँ पे, वो कल आ रहा है, तो सुबह हमें 4:30 पर जगना पड़ेगा और फिर लेने आना पड़ेगा। तो अभी हम खाना खाते हैं जल्दी से, अभी हम खाना खा रहे हैं और खाने में है ये देखो तोरई की सब्जी और भिंडी और रोटी। तो अभी आज मम्मी ने हरी सब्जी बनाई है, पूरा हरा कर देंगी, मतलब हरी हरी सब्जी। अभी सब सो गए हैं, रात के 12:30 बजे का समय हो गया है, तो अभी मैं भी सोता हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो तो एडिट कर ही ली थी अभी आधे घंटे बैठ के, मतलब काफ़ी जल्दी वीडियो एडिट हो गई। तो गाइस आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना,
जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अभी के लिए बाय। तो बाय 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 बाय।